ऐसे तो भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे आपके अंदर सबके अंदर विद्यमान है। अंतर्यामी रूप में भगवान सब जगह सब काल में रहते हैं। भगवान के पांच रूपों का वर्णन किया है शास्त्रों में, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा। पर रूप माने वैकुंठ में भगवान जो विराजमान है, साकेत धाम में जो भगवान विराजमान है, वो भगवान का पर रूप है, उसको पर रूप कहते हैं। और व्यूह रूप से भगवान संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, ये चार व्यूहों के रूप में भगवान विराजमान हैं। आमोद लोक में, प्रमोद लोक में, वो चार प्रकार के लोकों का विवरण। सम्मोदे च संकर्षणम, सम्मोद लोक में संकर्षण भगवान, तो ये भगवान के व्यूह रूप हैं। और विभव बोले विभव रूप भगवान का राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के जब धरामंडल पे आते हैं तो ये भगवान का विभव रूप कहलाता है, क्योंकि इस रूप में भगवान का वैभव प्रकट होता है, भगवान की महिमा प्रकट होती है। और चौथा रूप भगवान का अंतर्यामी, यो देवादु चतुर्विधेषु जनसु ब्रह्मांड कोशांतरे, समस्त ब्रह्मांड में देवता मनुष्य पशु पक्षी त्रिगादि समस्त योनियों के, समस्त प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान हैं वे भगवान अंतर्यामी। और पांचवा रूप भगवान का है अर्चा रूप। अर्चा रूप माने अपने भक्तों की भावना के अनुकूल पूजा को स्वीकार करने के लिए भगवान मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। ये मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है सामने विराजमान जो सरकार है, ये भगवान का पांचवा रूप अर्चा रूप है। और हमारे आचार्यों ने इस रूप की ही महिमा गाई। आचार्य जन कहते हैं भगवान के सभी रूप बहुत अच्छे हैं, वैकुंठ का रूप बहुत अच्छा है, वैकुंठ में भगवान विराजमान है लेकिन वो किसी काम के नहीं है। क्यों बोले वहां हम जा ही नहीं सकते। अर्चारू उसके बाद व्यूह बोले व्यूह के रूप में भगवान संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में विद्यमान है लेकिन वहां भी हमारी गति नहीं। विभव रूप राम कृष्ण बोले राम जी की कथा तो सुन सकते हैं लेकिन राम जी त्रेता युग में जब प्रकट हुए थे उस काल के जो सौभाग्यशाली लोग थे उन लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया, हमको तो दर्शन हुआ नहीं। द्वापर में जो कृष्ण जी के अवतार काल में थे उन लोगों ने अनुभव किया, तो लोगों ने कहा प्रतीक्षा करो फिर अगले कल्प में भगवान का अवतार होगा इसी धरा पे, तुम भी कर लेना। बोले तब हम नहीं रहेंगे। उस रूप से भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। अंतर्यामी बोले अंतर्यामी भगवान सबके अंदर विद्यमान है लेकिन उन अंतर्यामी का अनुभव करना इतना सरल नहीं है। योग करने के बाद योग में जब सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो योग फिर ध्यान गम्यम, तब योगियों के द्वारा ध्यान में गम्य होते हैं, हृदय में विराजमान उन परमात्मा का अनुभव होता है। तब अब रास्ता क्या बचा। बोले तो अंतिम रास्ता यही बचा कि मूर्ति के रूप में भगवान जो विराजमान है इन्हीं का दुलार प्यार करके, इन्हीं का अनुभव करके हम परमात्मा का अनुभव करें। इसलिए हमारे आचार्यों ने अर्चा विग्रह में अपनी निष्ठा को दृढ़ किया। अर्चा विग्रह में भगवान के प्रति निष्ठा की दृढ़ता हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया। और अर्चावतार में भगवान परम सुलभ हो जाते हैं भक्तों के। अर्चावतार में भगवान की सुलभता हो जाती है। तो बंधुओं भगवान के ये पांच रूप हैं, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा। तो अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे हृदय में तो विराजमान हैं लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होती, कारण अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम भगवान के पावन चरित्र को सुने, यही परम उपदेश भगवान की पावन कथा। इस कथा का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, हमारे जीवन के महान से महान पाप को मिटा देने वाला। तो कहते महाराज कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए सुनने में मन भी नहीं लगता,
बोले भले समझ में ना आवे फिर भी सुनो, श्रुतम हरति पापानि, सुनोगे तो पाप नष्ट हो जाए। आधी बात समझ में आएगी आधी नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनो। बोले कैसे? बोले जैसे अंग्रेजी दवा होती है, गोली होती है, अब उस गोली में क्या क्या पड़ा है तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, किस प्रक्रिया से बनी है, कैसे बनी है, ये भी नहीं पता चलेगा, लेकिन खा लोगे तो उसका लाभ मिलेगा, तब ये ठीक हो जाएगा। वो गोली कैसे बनी, उसमें क्या क्या मिलाया गया, आप नहीं जानते। समझने की कोशिश भी करोगे तो कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। क्यों? बोले उतना समझने के लिए तो फिर पूरी मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के बात समझ में आएगी। लेकिन आप विश्वास करके, डॉक्टर के कहने पर विश्वास करके, औषधि के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के उसका अगर आपने सेवन कर लिया तो आपके रोग की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा, भगवत चर्चा, ये औषधि। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अय दुर्मति तू क्या औषधि पूछता है? सबसे बड़ी औषधि तो भगवान का नाम है। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर 100 जगह से जर्जर है। जर्जर माने टूटने वाला, 100 जगह से इसमें जोड़ है, कौन सा जोड़ कब खिसक जाए कोई ठिकाना नहीं। और तो और एक नस इधर उधर हो जाए तो महाराज लेने के देने पड़ जाते हैं। कहते हैं इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम, इसका पतन होगा एक दिन, ये नष्ट होगा। परिणाम पेशल, इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होगा, तो क्या करें? बोले किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अय दुर्मति तू क्या औषधि ढूंढ रहा है? निरामयम राम रसायनम पिब, निरामय राम रसायन का पान करो। ये राम रसायन ऐसी औषधि है जो हमारे जीवन के समस्त व्याधि को, रोग को दूर कर देती है। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं राम रसायन, राम रसायन तुमने पासा, राम रसायन तुमने पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति। ये हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, जीवन में उतर जाए जीवन बदल जाएगा। राम रसायन तुम्हारे पास है, राम रूपी रसायन तुम्हारे पास है, और राम जी के दास बनकर के रहो, बस इतना ही तो करना। राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रहो रघुपति के दास। तो भगवान के दास बनकर राम रसायन का हम पान करते रहें, राम रसायन पीते रहें, इससे बड़ी औषधि और क्या हो सकता। यही राम रसायन औषधि रामायण। रामायण का मतलब क्या है? रामायण का मतलब राम जी का अयन, रामस्य अयनम रामायणम। जो राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी कहाँ रहते हैं? वे भगवान तो सब जगह रहते हैं, लेकिन इस रामायण में मिलते हैं, रहते सब जगह। जैसे राजा रहता है अपने महल में, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे राष्ट्र में मानी जाती है, हर जगह उसी का शासन, उसी का हस्ताक्षर, उसी की मोहर होती है। वो अपने मोहर हस्ताक्षर और अपने राज मुद्रा के प्रभाव से अपने राज सत्ता के कोने कोने में वो विद्यमान रहता है, लेकिन प्रकट रूप से तो अपने महल में ही रहता है। उसी प्रकार अंतर्यामी रूप से परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन भगवान को अगर कहीं पाना है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करना है, तो फिर रामायण में आ जाओ। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है, यही राम जी मिलेंगे। इसी रामायण में राम जी का दर्शन है। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान के इस चरित्र का गान किया।